हिमाचल प्रदेश में निजी बस चालकों की लापरवाहियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं और इन लापरवाह चालकों की वजह से आए दिन लगातार सड़क हादसे पेश आ रहे हैं। वहीं ताजा घटनाक्रम में मंडी से सुंदरनगर रूट पर चलने वाली कृष्णा बस में एक महिला मंडी से सुंदरनगर के लिए सवार हुई। इसी दौरान उसने नरेश चौक के समीप चालक और परिचालक से बस से उतरने के लिए कहा, लेकिन चालक ने बस को नरेश चौक के पास नहीं रोका और महिला बस से बाहर गिर गई। इसकी वजह से महिला की टांग टूट गई है। और वहीं स्थानीय लोगों ने जब इस घटना के बारे में बस के मालिक से पूछा तो उन्होंने इलाज का पूरा खर्चा देने का वादा किया, लेकिन बाद में बस मालिक मुकर गया। वहीं अब पीड़ित महिला पूजा देवी 39 वर्ष पत्नी रविकांत निवासी बीबीएमबी कॉलोनी सुंदरनगर मंडी ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि बस चालक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में साफ दिख रहा है कि बस चालक ने किस तरह से बस को नहीं रोका गया और महिला को बाहर गिरने के कारण टांग में गंभीर चोटें आ गई है, जिस वजह से घायल महिला की टांग टूट गई है। मेरी पत्नी पूजा देवी मंडी से सुंदरनगर आ रही थी प्राइवेट बस में, तो जैसे ही नरेश चौक में वो बस से उतरने लगी तो वो रुके, बस वाले ने बस नहीं रोकी और अचानक बस में पता नहीं धक्का लगा क्या, वो मेरे को नहीं पता, अचानक से नीचे गिर गई और उसकी टांग में काफ़ी चोट आई है, फ्रैक्चर हो गई है। तो मेरी प्रशासन से यही मांग है कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई करें। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।